जी वेलकम टू ऑल आरसीएम एक मिशन में आप सभी साथी का स्वागत है। छोटा सा परिचय यूं ही तो दीदी ने बता दिया बहुत सारा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मैं छोटा सा एक परिचय देना चाहता हूँ। परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में एक एक मिशन में। तो मेरा नाम हरेश ठोमर है, मैं स्टार एमराल्ड राइजिंग कोर हूँ। मेरा छोटा सा गाँव गुजरात का एक छोटा सा गाँव जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का भेसान है। मैं करीबन 31 साल से सूरत में स्थायी, यानी कि मेरा वतन जो है वो सूरत से 500-600 किलोमीटर दूरी पर है। मुझे बहुत ही छोटी उम्र में सूरत में एक मजदूरी काम करने के लिए आना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में आने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं थोड़ा सा और परिचय देना चाहता हूँ क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। और ये डेट मुझे याद है, 13 मई 1993 जब मुझे सूरत आना पड़ा, तब मेरी ये पहली तस्वीर सूरत में निकाली गई थी। मुझे याद है ये मेरे पापा है, मेरे पापा को एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ दिखता है, दूसरा हाथ नहीं है। और गुजारा करने के लिए, रोजगारी के लिए एक ऐसा मशीन चलाया करते थे एक हाथ से, और इलेक्ट्रिक मशीन था। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक नहीं बताया, सादा बताया है, लेकिन इलेक्ट्रिक मशीन था जो पावर से चलता था। और 1988 में अचानक 2,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, लाइट बिल आया। और जैसे ही मेरे पापा ने इस अमाउंट को देखा तो पैर तले जमीन हट गई, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट थी 2,000 रुपया। मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं था कि वो लाइट बिल भर पाए, और पैसा नहीं होने के कारण मेरे पापा ने ये बिल नहीं भरा। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया कंपनी ने, और घर में अंधेरा हो गया। ऐसा अंधेरा हुआ, दो तरह से अंधेरा हुआ, एक तो पावर चला गया, दूसरा पैसा आना बंद हुआ। जहां से हमारी रोजगारी चलती थी, जहां हमारा घर चलता था, हमारी उम्र एकदम छोटी थी और पापा एक हाथ से कुछ मेहनत कर रहे थे। अब क्या करें, थोड़ी चैलेंज, थोड़ी मुश्किली, थोड़ी परिस्थिति जिंदगी में आई, तो मेरे पापा ने मजदूरी काम करना शुरू किया एक हाथ से। आप देख सकते हैं मेरे पापा का एक हाथ एक तरफ का हाथ नहीं है। मजदूरी 2 साल की, 1990 से 1990 तक, लेकिन फिर भी उतना पैसा नहीं कमा सकते थे जहां से घर चले। घर पर कर्जा हो गया, हालात और मुश्किल बनी। 1991 में मेरे पापा अकेले सूरत में आए, वॉचमैन की ड्यूटी सूरत में की, 500 रुपया सैलरी से शुरुआत की। एक हाथ से और कुछ काम होता नहीं था, बस वॉचमैन का काम चलता था, वहां से घर चला। फिर हम सभी को सूरत लेके चले आए। 13 मई, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, 13 मई 1992 में जब हम आए, तब हमारा ये 4 व्यक्ति का परिवार था। मेरा भाई छोटा था, मेरा मम्मी, मेरे पापा, हम 4 व्यक्ति सूरत में आए, अपना वतन छोड़कर, नेटिव छोड़कर। यहाँ आने के बाद भी परिवार को सपोर्ट करने के लिए मेरा छोटा भाई चाय की होटल में जाकर कप प्लेट धो के रोजाना 10 रुपया मेरे भाई लाते थे। ये 10 रुपया से घर में सपोर्ट मिलता था। ये मेरे मम्मी है, वो हमारे पास में एक हॉस्पिटल थी, वहां झाड़ू पोछा लगाकर रोज का 10 रुपया, रोजाना 10 रुपया मेरे मम्मी लाती थी। वो 10 रुपया परिवार में सपोर्ट होता था। फिर हमारे घर के सभी साथी दूध बेचकर रोजाना 30 रुपया दूध से कमाते थे। ऐसे ही हमारा स्ट्रगल जिंदगी में शुरुआत हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिला। सूरत एक डायमंड सिटी है और पूरे हिंदुस्तान के लोग सूरत में बसते हैं। मुझे भी सूरत में इस डायमंड सिटी में डायमंड में काम करने का मौका मिला। जो मजदूरी काम होते हैं उसमें मैंने 1,500 रुपये से शुरुआत की। 14 साल डायमंड में काम करते हुए हाईएस्ट मेरी सैलरी 7,000 हुई। ये 7,000 से घर चलता था, लेकिन जो सपने थे, जो उम्मीदें थी, जो चाहत थी जिंदगी जीने की, उस 7,000 में होने वाली नहीं थी। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, एजुकेशन नहीं है मेरे पास इतना, खेती बाड़ी भी नहीं है, पापा का एक हाथ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बस जिंदगी काट रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, 2007 एक ऐसा स्वर्ण दिन, स्वर्ण पल मेरी जिंदगी में आया, और ये और कोई नहीं, आरसीएम मेरी जिंदगी में आया। शुरुआती दिनों में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब समझ में आया तब समझ में आया कि आरसीएम के प्रणेता तिलोक सिंह छाबड़ा सर, मैं सभी को एक बार दिल से उनके लिए ताली बजवाना चाहूंगा। इस सदी के महापुरुष, हमारे गुरु भगवान, जो भी शब्द उसके लिए कहे वो कम है। एक ऐसी खूबसूरत सिस्टम बनाई,
और सिस्टम मेरे पास लाने वाले मेरे स्पॉन्सर, मेरे प्रपोजर, मेरे भगवान गुरु, उसको भी मैं जो भी शब्द कहूँ वो कम रहेगा, जगदीश भाई भंडेरी, जो मुझे कन्विंस करने में 6 महीने मेरे पीछे लगाए। 6 महीने के बाद आखिरकार मैंने पीछा छुड़वाने के लिए आरसीए में फॉर्म भरा था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक ऐसी अपलायंस से मुलाकात करवाई जिसका नाम है भगवान जी भाई सेलरिया, जो एक गजब की पर्सनालिटी, सही मार्गदर्शन देने वाले। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय का थोड़ा विजन क्लियर करवाया और उसके बाद एक और मुलाकात हुई जो आज आरसीएम में राइजिंग कोर है, मेरे गुरु, मेरे भगवान दिनेश भाई सेलटिया, जिन्होंने मुझे हर पल, हर कदम, हर वक्त पर चलना कैसे है, हर बार गिरे तब उठाया, जो भी कहे उसके लिए शब्द कम पड़ेगा, इन चार तीनों मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत सारे सपोर्ट, मार्गदर्शन, सही रास्ता दिया, हौसला दिया। उसके साथ साथ मेरी अपलाइन में महावीर जी सारण सर, राजा राम जी सारण सर, शुक्ला सर, दिनाथ सर, बहुत सारे एस के पांडे सर, बहुत सारे साथी ने, अपलाइन ने मुझे सही मार्गदर्शन देने के कारण आज मैं कहना चाहता हूँ आरसीएम की वजह से मेरे अकाउंट में करीबन 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से कहीं ज्यादा रकम मेरे अकाउंट में आ चुकी है। और आज मेरी मंथली हर महीने इनकम 1.5 लाख से ऊपर लास्ट 1.5 साल से नहीं आई, इससे कम नहीं आई, उनसे ऊपर ही आई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आरसीएम की वजह से आज कहीं ऑफिस नहीं होने के का नहीं है, कहीं फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी आज जीएसटी नंबर आरसीएम की ने मेरे खुद के नाम पर, फर्म के नाम से नहीं, खुद के नाम पर जीएसटी नंबर लेना पड़ा, इतनी इनकम आरसीएम से आ रही है। इतना ही नहीं, मैं आज तक 4 गाड़ी बदल चुका हूँ, ये मेरी पहली गाड़ी अल्टो है, दूसरी गाड़ी स्विफ्ट है, और अभी तीसरी गाड़ी मैं ये चला रहा हूँ जो ब्रांड न्यू डिजायर है। ये मेरा परिवार है, मेरे 3 बच्चे हैं और आज मेरे घर पे ये गाड़ी है। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैं आरसीएम में नहीं था तब ऐसी मेरी जिंदगी थी, और आज मेरे पास एक 1.5 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी जो ओला कंपनी की है वो है, और ये आरसीएम की वजह से मैं कह सकता हूँ एक झटके में ले सकते, ये सपना आरसीएम ने साकार किया है। मेरे मम्मी पापा ने मैंने आरसीएम की वजह से प्लेन में भी कई बार मुसाफरी करवाई, हमने भी कई बार प्लेन में मुसाफरी, आरसीएम की वजह से हमारा हर सपना पूरा हुआ। आज मैं सूरत में 1 करोड़ के मकान में रहता हूँ, घर की हर सुख सुविधाएं जो चाहिए वो आरसीएम की वजह से पूरी हुई, जो सपने थे मेरे वो शायद डायमंड में कभी पूरे होने वाले नहीं थे। आरसीएम एक मिशन है, आरसीएम एक अभियान है, नए भारत का निर्माण है, बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है ये, एक मिशन है, एक अभियान है। और सबसे पहले कहना चाहता हूँ ये हमारा जो मिशन है, हमारा अभियान है, वो है स्वास्थ्य रक्षा। और मैं 17 साल से आरसीएम की हर प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और मैंने 3 साल आरसीएम के पिकअप सेंटर को संभाला, और मैंने सूरत में ऐसे बहुत सारे परिवार के मुंह से सुना है कि आरसीएम की हर एक प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारी दूर हुई, कहीं ना कहीं बीमारियों से, दवाइयों से दूर रहा। और मैं प्राउड करता हूँ कि आरसीएम हमारे हिंदुस्तान में आम लोगों के पास, खास लोगों के पास भी आने से उसकी दवाइयां दूर हुई, और ये हमारा मिशन है, हिंदुस्तान को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं। दूसरा है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी कि हर इंसान आज पढ़े लिखे होने के बाद भी खुद स्वावलंबन नहीं रह सकते, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई रोजगारी नहीं है, गवर्नमेंट भी आज रोजगारी से परेशान है। तो आरसीएम हमें स्वावलंबन बनाए, कहीं ना कहीं इमरजेंसी हमारे घर में कहीं पैसों की जरूरत पड़े तो चाहे कहीं ना कहीं हम उधार लेते हैं, कहीं रोज लोन लेते हैं, कर्जा करते हैं, कहीं ना कहीं उधार लेते हैं, लेकिन आरसीएम की वजह से जरूरत नहीं रहे। इसलिए स्वावलंबन दूसरा हमारा सब्जेक्ट है। और तीसरा मैं जो आरसीएम पर सबसे बड़ा प्राउड करता हूँ वो है नारी शक्ति। हमारे देश में आज हर एक नारी को सम्मान मिले, उसके अंदर जो उसके अंदर जो स्किल है वो स्किल बाहर आए, दुनिया में अपनी पहचान बनाए, ऐसे की स्टॉल के माध्यम से
1 PM जय आरसीएम के माध्यम से आज हमारे देश में बहुत सारी हमारी दीदी हमारी बहन अपने एक पहचान बना रही है। और ये रियल में ये तीनों शब्द यूं ही लिखने वाले नहीं है, केवल लिखने से नहीं होगा, रियल उस पर काम होने वाला है। आरसीएम एक मिशन है। आरसीएम के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री टीसी साबड़ा जी ने देश में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, और हम सबका भी एक ही है मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। और ये नए भारत का निर्माण कब होगा? जब हमारे देश में आर्थिक क्रांति आए। आर्थिक क्रांति लानी बहुत जरूरी है, और ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आरसीएम। एक मिशन के नाते हम एक आर्थिक क्रांति इस देश में ला सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य क्रांति। स्वास्थ्य क्रांति लाने की जरूरत पड़ेगी हमारे देश में, क्योंकि आज हमारे देश में बीमारी बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट का भी करोड़ों नहीं अब्जों का बजट केवल स्वास्थ्य पर लगता है। हम बचाना चाहते हैं, आर्थिक क्रांति लाना चाहते हैं, तब स्वास्थ्य क्रांति भी जरूरी होगी। रोजगार की क्रांति लाना चाहते हैं। रोजगार अगर बढ़ेगा तब ही हमारे देश में आर्थिक क्रांति आएगी। और ये रोजगार आरसीएम पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को रोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं, रोजगारी मिले पूरी तरह से, अपना सपना पूरा हो। केवल इतना ही नहीं, वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं। आर्थिक क्रांति से, स्वास्थ्य क्रांति से, रोजगार क्रांति से वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा सुबह 6:30 बजे खुद हमारे प्रेरणा स्रोत आरसीएम के फाउंडर टीसी जी रहते हैं, जो हमें वैचारिक क्रांति देना चाहते हैं, मजबूत करते हैं। स्किल इंडिया क्रांति, देश में सबको स्किल डेवलपमेंट हो, इसीलिए भी सुबह का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखता है। 1 PM जे आरसीएम का प्रोग्राम भी स्किल इंडिया को डेवलप करने के लिए, रात का प्रोग्राम 8 बजे का जो चलता है 8 PM जय आरसीएम, ये भी हमारी स्किल को डेवलप कर सकता है। नारी सशक्तिकरण क्रांति लाना चाहते हैं, वो भी मैं कह सकता हूँ किस रोल के माध्यम से हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। वृक्षारोपण वृद्धि क्रांति लाना चाहते हैं हमारे देश में। एक आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक ऐसा अनोखा उस कार्यक्रम का आयोजन और प्लानिंग देते हैं। बिजली बचाओ क्रांति लाना चाहते हैं, ये भी आरसीएम ने एक बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ काम करते हैं, जो बिजली भी हम बचा पाए। स्वच्छता अभियान, देश को स्वस्थ भी रखना चाहते हैं। और आतिशबाजी निषेध, मैं आरसीएम के हर परिवार के साथी को कहना चाहूंगा कि हम आतिशबाजी कभी नहीं करेंगे, और एक वो क्रांति लाएंगे देश में, और प्रदूषण जो हमारा बढ़ता जा रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको भी हम कंट्रोल करने में हमारा आरसीएम का योगदान रहेगा। तो ये आरसीएम की वजह से, आरसीएम के फाउंडर हमारे आदरणीय श्री टीसी साहबराज ने एक सोच की वजह से एक देश में नई क्रांति लाना चाहते हैं, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और आज का जो मेरा विषय है, आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही खास है। सेहत के लिए प्रोडक्ट और सफलता के लिए प्रोसेस। ध्यान दीजिए, शब्दों को लिखना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए प्रोसेस, सॉरी, सेहत के लिए प्रोडक्ट और सफलता के लिए प्रोसेस, ये दोनों सब्जेक्ट मेरा है। आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं सेहत के लिए प्रोडक्ट क्या है। तो हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर नाइट तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, A to Z प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में मिलते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज करने से आज 17 साल में मेरे परिवार में बहुत सारी ऐसी बीमारी थी, बहुत सारी ऐसी चैलेंज थी जो मेरे पापा को लेकर मेरी चैलेंज थी, वो चैलेंज मैंने आरसीएम की प्रोडक्ट से 5 साल तक, 8 साल तक मैं दवा से दूर रहा। और मेरे पापा की जो डायबिटीज थी वो 1993 से थी, और आरसीएम की प्रोडक्ट की वजह से मैंने कई बार उसकी डायबिटीज 120 का रिपोर्ट पाया है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने परिवार को आरसीएम के माध्यम से अगर
सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, दवा से दूर रखना चाहते हैं, तो ए टू जेड प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें। ए टू जेड का मतलब ये रहा कि अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो आज भी आप ए टू जेड प्रोडक्ट से दूर हैं। आप सारी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं और मैं आपको फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप 100% आरसीएम की ही प्रोडक्ट यूज करें। और आज हमारी टीम में एक दृढ़ संकल्प लिया है, अगर नमक ना मिले आरसीएम का तो बिना नमक से चलेंगे, लेकिन आरसीएम के अलावा कोई नमक हमारे घर में नहीं होना चाहिए। सेहत के लिए प्रोडक्ट क्या है, क्यों चाहिए, तो आज हर प्रोडक्ट को, ध्यान दीजिए मेरे शब्द को, आज हर प्रोडक्ट खुराक को, यानी कि जो प्रोडक्ट एक खुराक समझे और एक खुराक को दवाइयां समझकर अगर नहीं खाया, हर प्रोडक्ट को दवाइयां समझ के खाइए। अगर ये नहीं खाया तो हर दवाई को खुराक समझकर खानी होगी। बात सुनिए महेंद्र जी, आज हर खुराक, जो भी खुराक आप ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आज ले रहे हैं, चाहे आरसीएम से ले चाहे बाजार से ले, आपको हर प्रोडक्ट लेने से पहले आपको उस प्रोडक्ट को चेक करना होगा, एक दवाई समझ कर लेना होगा कि उसमें कौन से विटामिन्स हैं, उस प्रोडक्ट से हमारे सेहत के लिए क्या फायदा होगा। और हर प्रोडक्ट को, हर खुराक को दवाई समझ कर ही खाना चाहिए। अगर नहीं खाया तो हर दवाई को खुराक समझ कर खानी होगी आने वाले समय में। और यहाँ लिखा है मेडिसिन बिफोर और आफ्टर फूड, यानी कि खाने से पहले 3 और खाने के बाद 5 ये लेना पड़ेगा। क्यों मैं कहना चाहता हूं कि दवाई को खुराक समझ कर लेनी पड़ेगी। अगर आपने आज ऐसी प्रोडक्ट को चॉइस नहीं किया, अगर आरसीएम की प्रोडक्ट को चॉइस नहीं किया, आरसीएम की प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बीपी है और हमारे देश में बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है हमारे देश में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एटेक की बीमारी बढ़ रही है, हार्ट का प्रेशर बढ़ रहा है, थायराइड की बीमारी बढ़ रही है। और मैंने यहाँ इसीलिए ये 4 पॉइंट रखा है कि दवाई खुराक समझकर क्यों लेनी पड़ेगी। जो बीपी की दवाई ले रहे हैं, अगर उसको आजीवन दवाई लेने की जरूरत है तो उसके लिए वो खुराक बन चुका है। वो एक दिन का खाना भूल सकते हैं लेकिन दवाई भूल नहीं सकते, इसीलिए उसके लिए खुराक बन चुका है। जो डायबिटीज का मरीज है, जिसको हर दिन हर पल खाने से पहले इंसुलिन लेना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, तो वो एक दिन का टाइम का खाना भूल सकते हैं लेकिन दवाई भूल नहीं सकते, इसीलिए उसको दवाई एक खुराक बन चुका है। जिसके घर में कोलेस्ट्रॉल की दवाई बढ़ रही है, जिसके घर में कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही है, तो उसके लिए भी दवा दवाई नहीं रही, उसके लिए दवा एक खुराक बन चुका है। जिसके घर में थायराइड की दवाई चल रही है, उसके लिए दवाई नहीं है अब, उसके लिए वो खुराक बन चुका है। मैं आप सभी को गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप भी अगर इस खुराक से दूर रहना चाहते हो, इस दवाई की खुराक से दूर रहना चाहते हो, तो आरसीएम की ए टू जेड प्रोडक्ट, अगर आपको सेट ना भी हो, अगर आपको टेस्ट अच्छा ना लगे, तो भी दवा टेस्ट के लिए नहीं लेते, दवा सेहत के लिए लेते हैं। इसीलिए आरसीएम की प्रोडक्ट टेस्ट के लिए नहीं है, सेहत के लिए है। मैं सभी को गुजारिश करूंगा, तो ये हमारी सेहत के लिए प्रोडक्ट है लेकिन सफलता के लिए प्रोसेस है। और आज मेरा सफलता के लिए जो प्रोसेस है उसमें मेरा फेवरेट शब्द है, वो है 888। क्या है प्रोसेस, कौन सी है प्रोसेस, तो 888 की प्रोसेस है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट लेना है सेहत के लिए, और दूसरा सफलता के लिए 888। क्या है 888, तो सबसे पहले पहला 8, यानी कि हमारा पहला 8 घंटा
हमारी सेहत के लिए, बॉडी को आराम देने के लिए 8 घंटा हमें नींद लेनी है, सोना है पूरी तरह से। मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, साइंस कहता है 6 घंटे। अगर आपकी बॉडी में 6 घंटे की नींद हो गई तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ 2 घंटे और बढ़ा दिया है। अपनी सेहत के लिए कम से कम 8 घंटे सो जाइए, लेकिन 8 घंटे से अगर ज्यादा आप सो रहे हो, 2 मिनट, 5 मिनट या आधा घंटा भी आप ले रहे हो, उसका मतलब आपका कोई सपना नहीं है। आप जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, आप जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए हमारे RCM के स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी कहते हैं, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस बात को लेकर खुद को ना परेशान कर, आराम कर। मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा ये, मैं फिर आप सभी को कहना चाहता हूँ, उन सभी साथी को भी कहना चाहता हूँ, शायद ये प्रोग्राम सुन रहे या नहीं सुन रहे, या आप किसी को बताइए, अगर 8 घंटे से ज्यादा आप नींद ले रहे हो, उसका मतलब ये है आपका कोई सपना नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। 8 घंटे से ज्यादा नींद कभी लेनी नहीं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, फिर भी आप ले रहे हो, 8 घंटे से ज्यादा आपकी नींद है, आपको उठाने में किसी की जरूरत पड़ती है, फिर भी आप जगते नहीं है, तो हम खुद एक बात से परेशान है। तो सतीश पंडित जी कहते हैं, मैं फिर कहूंगा, सतीश पंडित जी कहते हैं, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं है, इस बात को लेकर खुद को ना परेशान कर, आराम कर। तो मैं प्रोसेस के लिए कहना चाहता हूँ, सफलता की प्रोसेस के लिए 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, जब मेरे पास RCM नहीं था, मेरा कोई सपना नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब मैं भी 8 घंटे से ज्यादा 10 घंटा 12 घंटा नींद लेता था, लेकिन जब मुझे समझ में आ गई प्रोसेस, सफलता की प्रोसेस में 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं होनी चाहिए, और 8 घंटे के बाद आपको किसी को उठाने की या नींद से जगाने की जरूरत भी नहीं कर पड़नी चाहिए, और आप नींद में भी भागना शुरू करें, तब कामयाबी आती है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है 8 घंटा हमारी रोजगारी। आज बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं उत्तम जी, बहुत सारे लोग आज भी अभी भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको रोजगारी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, लेकिन यहां मैं 8 घंटा ही रोजगारी के लिए मैं रखूंगा। 8 घंटे से ज्यादा आप अगर देने की जरूरत पड़ती है, आपकी मजबूरी है, तो मतलब आप कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। जो काम आप करते हैं वो सालों से करने के बाद भी आपकी उम्मीद, आपका सपना पूरा नहीं हुआ, तो आपको उस काम को 8 घंटे से ज्यादा देना नहीं चाहिए। केवल घर चले, गुजारा चले, परिवारिक हमारा घर का चले, उतना ही समय देना चाहिए, बाकी का समय आपको अपनी सफलता के लिए, अपने सपनों के लिए देना चाहिए। यहाँ 8 घंटे के लिए आप जो भी करते हैं, किसानी करते हैं, बिंदास किसानी करिए, लेकिन 8 ही घंटे करें। जॉब कर रहे हैं, बिंदास करिए अपने परिवार के लिए, रोजगारी के लिए, लेकिन 8 ही घंटे करें। अगर आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे ही करें। अगर आपका पर्सनल व्यापार है, पर्सनल कुछ काम कर रहे हैं, सेल्फ आपका कहीं काम है और वहां से आपका सपना पूरा होता नहीं है या होने वाला नहीं है, तो उसको भी 8 घंटे ही दीजिए। 8 घंटे से अपना परिवार का गुजारा पूरा हो जाना चाहिए। और मैं इसीलिए प्रोसेस की बात करता हूँ, ये प्रोसेस जब हमको पता नहीं चलेगा, तब तक हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं भी जब RCM में आए, उससे पहले 10 से 12 घंटा देता था, जब मुझे समझ में आ गया कि 10 12 घंटा देने के बाद भी, 14 साल देने के बाद भी मेरा एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, उनसे ज्यादा कर्जा होता था, उनसे ज्यादा परेशानी बढ़ती थी, और
और मुझे समझ में आ गया कि 8 घंटा अपने परिवार की गुजारिश के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो मैंने 8 ही घंटा अपनी ड्यूटी में देना शुरू किया और उसके बाद हर 8 घंटे जो है वो देना है आरसीएम। मैं आरसीएम को इसीलिए बोलना चाहता हूँ, यहाँ मेरे सामने जितने भी लोग हैं करीबन 950 के करीब होने जा रहा है, आपने आरसीएम में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आरसीएम ने अपना जीवन मान लिया है। अगर आरसीएम अपना जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है, अगर अपना सपना पूरा करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म आपको जो मिल चुका है जिसका नाम है आरसीएम, उस आरसीएम को आप 8 घंटे देना शुरू कर दीजिए। 8 घंटे, बाकी आपकी ड्यूटी, आपकी नौकरी, आपका जॉब, आपका जो भी है, जो भी पर्सनल काम करते हैं, वहां से 2-3 घंटा निकालिए। इतना ही नहीं, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो मैं माफी चाहता हूं, कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करना है 8 घंटे में, अच्छा सा प्लान दिखाइए, होम मीटिंग करिए, प्लान दिखाने का तरीका बदलते रहिए, अच्छे से शब्द को जोड़ते रहिए, अपना आरसीएम का जो वीडियो है टूल से उसका सही तरीके से यूज करना शुरू कर दीजिए, अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करना शुरू करें। क्या करना है, मैंने 8 घंटे में डिवाइड कर दिया है, 2 घंटे जूम में दीजिए, 2 घंटे जूम में दीजिए। इसमें आपको तय करना है कि मुझे कहाँ कहाँ कितना समय जूम में देना है, कम से कम 2 घंटे आपको जूम एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। सुबह से 6:30 बजे हमारे आदरणीय श्री टीसी जी का प्रोग्राम चलता है, वहां से लेकर 8 बजे न्यूटी चार्ज का प्रोग्राम चलता है, 9 बजे से लेकर 10-11 बजे कहीं ना कहीं टीम वाइज अपना पर्सनल प्रोग्राम चलता है, 11:30 बजे की सोल का प्रोग्राम सप्ताह में एक बार आता है, 1 PM जय आरसीएम चलता है, फिर अपनी टीम का कहीं ना कहीं पर्सनल प्रोग्राम चलता है, फिर शाम को 7 बजे न्यूटी चार्ज का प्रोग्राम चलता है, 8 बजे क्यूएस की चैनल पर 8 PM जय आरसीएम चलता है, फिर अपना अपना कहीं ना कहीं काउंसलिंग चलता है, पूरा दिन जूम चलता ही है। आपको तय करना है कौन से 2 घंटे मुझे जूम में देना है, कौन से प्रोग्राम में देना है, कब बदल बदल कर भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखे 2 घंटा ईमानदारी से देना है जगदीश भाई, ईमानदारी से देना है। ईमानदारी का मतलब ये हुआ वीडियो चालू रखकर देना है। यहां आज भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन वीडियो बंद है, जगन्नाथ जी वीडियो अगर बंद है तो आपने पूरी तरह से 2 घंटा नहीं दिया है। 2 घंटे आपको वीडियो चालू रख के डायरी पेन लेकर जूम में बैठना है, आपको तय करना है कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से विषय पर, कौन से जूम प्रोग्राम में आपको बैठना है, लेकिन देना पड़ेगा, आप तय कर लो। 8 घंटे में से 2 देना है, दूसरा 2 घंटा आपको फील्ड में देना है, मार्केट में जाना है, लोगों को प्लान दिखाना है, डेली दिखाना है, नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो छुट्टी। और मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है ये, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी यहां पहुंचा, उसका एक मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैं 1000 दिन बिना छुट्टी लिए 1000 दिन प्लान दिखाऊंगा। और हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई भी साथी 1000 दिन का अनुभव कर ले तो उसको इस विषय में पारंगत हो जाता है, PhD हो जाता है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगा, अगर आप रियल में कामयाब होना चाहते हो तो 1000 दिन रोजाना बिना ब्रेक लगाए फील्ड में जाइए, लोगों को मिलिए और लोगों को आरसीएम के बारे में एक मिशन की जानकारी दीजिए, ये है क्या। और मैं तो कई बार कहता हूं,
अगर आप पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी अगर आप डॉक्टर के साथ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आप डॉक्टर के साथ 1-3 साल रह जाइए, फर्जी डॉक्टर बन सकते हैं। फर्जी डॉक्टर बनना नहीं है लेकिन बन सकते हैं, लोग हैं। बिना पढ़े लिखे भी आप इंजीनियर के साथ 3 साल रह जाइए, आप इंजीनियर बन सकते हैं, हर काम 3 साल में सीख सकते हैं। तो आरसीएम का प्लान, आरसीएम की मीटिंग क्यों नहीं सीख सकते? 2 घंटे जूम में दीजिए, 2 घंटे प्लान फील्ड में दीजिए, 2 घंटे सेल्फ अपडेट में दीजिए। सेल्फ अपडेट होना बहुत जरूरी। कितना भी आप मीटिंग अटेंड करिए, कितना भी भागे आप, कितना भी समय लगा दीजिए, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट आप नहीं होगे, खुद अपडेट नहीं करोगे तो भी आप कामयाब नहीं होंगे। कहाँ कहाँ देना है? तो सबसे पहले 2 घंटे में डिवाइड आपको करना है कि 30 मिनट मुझे किताब पढ़ना है, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, आपको तय करना है कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट होने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए 30 मिनट कम से कम मूक पढ़ाई करनी है, किताब पढ़ना है। फिर आपको तय करना है 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, जो भी अच्छा लगे, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, खुद बोल पाए, सेमिनार ले पाए, ऐसे कोई ना कोई सेमिनार में अपने आप को अपडेट करना। इस सेमिनार में हमारा आरसीएम का भी सेमिनार आ सकते हैं, जहां भी आपको कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिलेगा, पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्टेज पर जाकर कहीं लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, कहीं लोगों के आप रोल मॉडल बन सकते हैं। जब तक आप लोगों को गाइड्स नहीं करने के लिए अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप किसी और के माध्यम से चलना पड़ेगा। तो आपको ये 2 घंटे में किताब में कितना समय डालना है, अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, बोलने की कला सीखने में, कौन से शब्द को कहाँ किस तरह से यूज करना है, इसको अपडेट करने के डालना है। फिर खुद अपने बॉडी के लिए योगा जो भी करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी आपको है देना पड़ेगा, आप दीजिए 2 घंटे। लेकिन आप फिर भी, मैं फिर भी कह रहा हूं, बहुत सारे लोग वीडियो चालू रख के सो गए हैं। अगर आप चालू प्रोग्राम में भी सो गए हैं, उसका मतलब ये है कि आपके सपने नहीं है। आप केवल आरसीएम में अपनी अपलाइन को एक हाजिरी देने के लिए अपना नाम इसमें जोड़ते हैं। तीसरा है ये ऑडियो सुने, ऑडियो सुने, बहुत सारे ऑडियो है हमारे आरसीएम में, और भी आपको मार्केट में अच्छे से ऑडियो टेप मिलेगी, जहां आप अपने आप को, खुद को डेवलप कर सकते हैं। ऑडियो सुनना होगा, आप तय करें 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जो भी करना है, ये 2 घंटों में कवर करना है। YouTube में कहीं ना कहीं वीडियो देखना है। अगर आप सुबह के 6:30 बजे में कोई कारण से नहीं बैठ पाए, तो आपको YouTube में जाकर इस वीडियो को देखना है। सुरेंद्र वत्स सर का जो आता है चैट विद सुरेंद्र वत्स, ये वीडियो भी आप सुन सकते हैं। आरसीएम के बहुत सारे वीडियो हमारी अपलाइन के माध्यम से, आरसीएम के यूएस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब में 10 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे देख सकते हैं, और अपलाइन के साथ परामर्श करिए। यानी कि रोज आपका यहाँ 2 घंटा देना है, आपको तय करना है कि कहाँ कितना समय देना है, लेकिन 2 घंटे आपको सेल्फ अपडेट करने के लिए देना पड़ेगा। कालू भाई, बदलाव करना पड़ेगा। फिर 1 घंटे अपनी टीम में कॉलिंग में दीजिए, फोन कॉलिंग में दीजिए, रोज 1 घंटा अपने टीम के हर साथी को, जो आपको लगता है कि यहाँ कॉल की जरूरत है, यहाँ कॉल करना पड़ेगा, इसको खरीदारी के लिए याद दिलवाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, अपने ये मिशन में लोगों को जागरूक रखना पड़ेगा, कॉलिंग में आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। तो 1 घंटे प्लानिंग के साथ आप दीजिए फोन कॉलिंग में, और 1 घंटा रिजर्व रखिए।
1 घंटा रिजर्व रखे, इमरजेंसी कोई काम आ गया, इमरजेंसी कोई मीटिंग आ गई, इमरजेंसी कहाँ जाने की जरूरत पड़ी, 1 घंटा आप रिजर्व रखे। और रिजर्व का मतलब यह नहीं है कि मैं आईपीएल देखता हूँ, रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि मैं मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद करूं, रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ काम नहीं करना, रिजर्व का मतलब ये है कि उस समय में क्या कर सकता हूं एक्स्ट्रा, कहां जरूरत पड़े वहां मुझे जाने की, वहां मैं जा। तो इस तरह से हमारा 8 घंटे की जरूरत है सोने की, 8 घंटा हमें ड्यूटी करना है अपनी रोजगारी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, और 8 घंटे आपको देना है सफलता के लिए, 8 घंटे आपको देना है अपने सपनों के लिए, 8 घंटे देने हैं आपको अपनी जिंदगी को फ्यूचर बनाने के लिए, 8 घंटे देने हैं आरसीएम को दुनिया के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के, जन जन व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपको 8 घंटा देना। मेरी इस बात को आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, लास्ट स्टाइल स्लाइड से मैं दिखा सकता हूं, ये व्यक्ति सो रहे हैं, अजय कुमार गुप्ता जी, ये व्यक्ति सो रहे हैं, अलार्म भी उसके पास है, लेकिन फिर भी सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, अगर एक आवाज करो तो उठ सकता है, जगाया जा सकता है, क्योंकि वो सो गए हैं, सोने वाले व्यक्ति को, सोए हुए व्यक्ति को हम जगा सकते हैं, लेकिन जागते हुए व्यक्ति को कभी जगाया नहीं जा सकता। गुप्ता जी, अगर सो गए उसको हम जगा सकते हैं क्योंकि वो सो गए हैं, एक आवाज करिए, बिस्तर से खड़े हो जाएंगे, भागना शुरू करेंगे, जीतने के लिए लड़ पड़ेंगे, लेकिन अगर इस तरह से कोई बिस्तर में सो रहे हैं लेकिन ये जागते हुए सोते हैं, इस व्यक्ति को कभी जगाया नहीं जा सकता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप किस तरह से सो रहे हैं, ये मैं बिस्तर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज बिस्तर में सोए की बात नहीं कर रहा हूं, आपको इन सारी बातों की जानकारी होने के बाद भी आप अपनी जिंदगी में सो रहे हो, भाग नहीं रहे हो, तो आपको जगाया कभी नहीं जा सकता, लेकिन आपको पता ही ना हो, और अगर आज पता चल गया कि मुझे जिंदगी में कहां किस तरह से भागना है, किस तरह से जीतना है, कैसे लड़ना है, कैसे सपने पूरे करने हैं, और आरसीएम के मिशन में मुझे एक सच्चा सेवक बनना है, और आप जाग चुके हैं, तो भागना शुरू कर दीजिए, भागना शुरू कर दीजिए। मेरी स्लाइड को मैं विराम देना चाहता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद।